How are you? I hope you all are fine. Today we will read the second chapter of EVS. The name of the second chapter is Our Sense Organs. सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछा गया है, What would happen if you had no eyes? क्या होगा अगर हमारे पास आईज ना होती, हमारी आंखें ना होती तो क्या होता? क्या होता? हम ये सुंदर सा संसार देख ही नहीं पाते, क्योंकि जब हमें दिखाई नहीं देता तो क्या होता है? अंधेरा अंधेरा दिखाई देता ना, हमें ना दिन का पता चलना था ना रात का पता चलना था, ठीक है? अगर आईज ना होती तो हमें ये संसार अच्छा ही नहीं लगना था, ठीक है ना? तो आईज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? यस। अभी लेसन स्टार्ट है। आवर सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें संसार में क्या हो रहा है, जो हमारे संसार में क्या हो रहा है हमें उसमें उसे समझने में हेल्प करते हैं। देयर आर फाइव सेंस ऑर्गन्स। कितने टोटल ऑर्गन्स होते हैं? फाइव। आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। दीज आर ऑर्गन ऑफ साइट, हियरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट। ये ऑर्गन्स हमें क्या करते हैं? जैसे देखो ये पिक्चर में दिखाया गया, आईज हमें देखने में मदद करता है, ऑर्गन ऑफ ए साइट। ईयर, हियरिंग मतलब हमें सुनने में मदद करते हैं, नो स्मेल लेने के लिए, ठीक है? स्किन हमें टच का पता लगता है, स्किन से हमें क्या पता लगता है? स्किन से पता चलता है ना, क्योंकि कोई चीज गर्म है या ठंडी है जब हम टच करके पता चलता है ना हमें। और टंग, टंग मतलब जीभ, जीभ से हमें क्या पता चलता है? टेस्ट का। जब भी आप कोई भी चीज खाते हो तो आपको खाने के बाद पता चलता है ना कि मीठी है या खट्टी है, किससे पता चलता है? आपके टेस्ट से। और टेस्ट किससे आता है? हमें टंग से, ठीक। क्लियर? कितने ऑर्गन्स है हमारे टोटल सेंस ऑर्गन्स? फाइव। अब आईज, आर आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, दे हेल्प अस टू सी द ब्यूटिफुल वर्ल्ड अराउंड अस। जो हमारी आईज है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हमें क्या हेल्प करती है? ये सुंदर सा संसार देखने में मदद करती है। आईज कैन ऑल्सो एक्सप्रेस आर फीलिंग्स। इससे इसके अलावा देखने में मदद करती है, और किस में मदद करती है? हमें फीलिंग एक्सप्रेस करने में मदद करती है। जब हमें किसी चीज का दुख होता है तो हम रोते हैं ना, तो रोते आंखों से आंसू आते हैं, तो हमारी फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है ना? सम पीपल कैन नॉट सी प्रॉपरली, पर कुछ लोग होते हैं जिसे प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, ठीक है ना? इसके बाद आपको अजय नाम के एक लड़के की एग्जाम्पल देकर समझाया गया, ठीक है? अजय वाज अनेबल टू रीड द ब्लैकबोर्ड फ्रॉम द लास्ट बेंच इन द क्लास। जो अजय है उसे जब क्लास में वो लास्ट बेंच पे बैठता है तो उसे ब्लैकबोर्ड पे जो लिखा होता है वो प्रॉपरली पढ़ नहीं पाता। He complained about it to his teacher. उसने इस बारे में किसमें इसे कम्प्लेंट की? अपने टीचर से। The teacher told his parents to get his eyes checked. ठीक है, जो टीचर है उसने क्या कहा उनसे, पेरेंट्स से, कि आप इस बच्चे की इसकी आंखों का चेकअप कराएं। So his parents took him to an eye doctor. तो उसके पेरेंट्स उसे कहाँ ले गए? आई डॉक्टर के पास। किस कहाँ ले गए? आई डॉक्टर के पास, ठीक है, आंखों के जो डॉक्टर होते हैं। द डॉक्टर एग्जामाइंड अजय आईज एंड टोल्ड हिम टू वियर अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। ठीक है, जब डॉक्टर ने उसे देखा, उनकी आंखों को चेकअप किया, तो उसने कहा कि इसे क्या पहनना पड़ेगा? चश्मा। क्या पहनना पड़ेगा? चश्मा, ठीक है, क्योंकि उसकी आई साइट वीक थी, ठीक है ना? ये देखो, ये दिखाया भी गया है आपको, ठीक है, पिक्चर में। अजय's parents took him to an optician who made spectacles from him. अजय के जो पेरेंट्स थे वो उसे कहाँ ले गए? एक ऑप्टिशियन से। ऑप्टिशियन मतलब होता है जो स्पेक्टिकल, मतलब जो चश्मा बनाने वाला होता है, वहां लेकर गए, ठीक है। आफ्टर वियरिंग देम, जब उसे पहन लेता था जो अजय कुड रीड द ब्लैकबोर्ड क्लियरली। अजय को ब्लैकबोर्ड बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगा। सम पीपल ऑल्सो वियर कॉन्टेक्ट लेंस इंस्टेड ऑफ स्पेक्टिकल्स। कुछ लोग क्या करते हैं, उसकी जब उनकी वो चश्मा की बजाय क्या करते हैं, क्या करते हैं? लेंस पवा लेते हैं, ठीक है। उसका लेंस से भी क्या होता है, उसकी आंखों की जो साइट है प्रॉपरली हो जाती है, ठीक है।
अगर कुछ लोगों ने अगर चश्मा नहीं लगाना था तो क्या करवा लेते हैं, वो लेंस डाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पेज पे, व्हेन वी ग्रो ओल्ड आर आई साइट बिकम्स वीक। जब हम ग्रो होते हैं, ठीक है, ओल्ड होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारी जो आईस है, आई साइट वह क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। सो अगेन वी नीड द हेल्प ऑफ ग्लासेस। जब बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, उसकी आई साइट वीक, तभी हमें क्या, किसकी जरूरत पड़ती है, ग्लासेस, मतलब चश्मे की। सम पीपल कैन नॉट सी एट ऑल। कुछ लोग होते हैं, देखो जब किसी की आई साइट वीक होती है तो वो क्या डाल लेते हैं, वो आंखों का चेकअप कराते हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी उसे पहनना पड़ता है, चाहे चश्मा हो जाए लेंस, वो पहनकर अपनी आई साइट थोड़ी ठीक कर लेते हैं। बट सम पीपल कैन नॉट सी एट ऑल। कुछ लोग होते हैं जो जन्म से जैसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता, जिसकी आई साइट वीक हो गई वो तो चश्मा पहन लेगा, उसकी ठीक हो जाएगी, ठीक है। बट कुछ लोग होते हैं जिसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, सच पीपल आर कॉल्ड ब्लाइंड। उसे क्या बोलते हैं, ब्लाइंड मतलब अंधे, ठीक है। दे यूज देयर फिंगर्स टू फील डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ रेज डॉट्स टू रीड एंड राइट। वो क्या करते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, जो एजुकेशन है वो जो ब्लाइंड होते हैं वो भी प्राप्त करते हैं, वो भी लेते हैं। कैसे लेते हैं, वो हमारी तरह ऐसे नहीं होते, उनकी एक अलग लैंग्वेज होती है। जैसे ये देखो पिक्चर में दिखाया गया ना, ब्रेल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है इस पे, जिसमें ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगे होते हैं, वो उसको टच करके उनको पता चल जाता है ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। वो डॉट थोड़ा होते हैं, डॉटेड होता है सारा कुछ उनका, ठीक है, पैटर्न बना होता है जो। दिस सिस्टम इज कॉल्ड ब्रेल। इस लैंग्वेज को, इस स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं, ब्रेल लैंग्वेज, ठीक है। इट वॉज डिवेल्प्ड बाय लुइस ब्रेल। ये किसके द्वारा डिवेल्प किया गया था, लुइस ब्रेल के बाद, ठीक है। ब्लाइंड मैन, देखो पिक्चर में भी दिखाया गया एक ब्लाइंड मैन, उसके लुइस ब्रेल दिखाया गया जिसने ये बनाई थी, जिससे क्या था जो अंधे होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, वो इससे पढ़ पाते हैं प्रॉपरली, वो ऐसे एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, ब्रेल स्क्रिप्ट से। नेक्स्ट क्या है, ईयर। क्या है नेक्स्ट, ईयर। वी कैन हियर डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड विद आर ईयर। हमें अपने कानों की मदद से क्या सुनाई देता है, अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देती है, ठीक है। हियरिंग प्रॉब्लम्स, जैसे आंखों की प्रॉब्लम्स होती है ना, किसी को कम दिखाई देता है, किसी को स्पेक्स डालनी पड़ती है, ठीक है ना, वैसे ही कानों की भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। सम पीपल कैन नॉट हियर प्रॉपरली। कुछ लोग होते हैं जिसे प्रॉपरली सुनाई नहीं देता, मतलब ऊंचा सुनता है, ठीक है ना। सम पीपल बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिसे वैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है कानों में, तब उसे सुनाई नहीं देता। कुछ लोग जब बूढ़े हो जाते तो उसे धीरे धीरे कम सुनाई देने लगता है। दे मे यूज अ हियरिंग एड। वो क्या डालते हैं, इसके लिए क्या यूज करते हैं, उसे अच्छा से सुनाई देने लगे, हियरिंग एड मतलब कानों वाली मशीन। क्या डालते हैं वो, ठीक है, वो कानों की मशीन डाल लेते हैं, ठीक है। इट इज अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट वॉर्न इन द ईयर विच मेक्स द साउंड लाउड एंड इट इज अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट वॉर्न इन द ईयर विच मेक्स द साउंड लाउड एंड अलाउज द पर्सन टू हियर मोर क्लियरली। ये एक स्मॉल सा इंस्ट्रूमेंट होता है, छोटी सी मशीन होती है जो हमें ईयर में, कानों में डालते हैं, जिससे क्या होता है, हमें साउंड, जो आवाज है वो क्लियर सुनाई देने लगती है, क्लियर। सम पीपल हु कैन नॉट हियर एट ऑल आर कॉल्ड डेफ। कुछ ऐसे होते हैं ना ब्लाइंड, तो जिसे बोला था, जिसे बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, पहले से दिखाई नहीं देता, वो क्या होते हैं, ब्लाइंड, जिसे कभी सुनाई ही नहीं दिया, ठीक है, जिसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, उसे क्या बोलते हैं, डेफ, ठीक है। हियरिंग एड इज ऑफ नो यूज ऑफ देम, यूज फॉर देम। वो हियरिंग एड जो कानों की मशीन होती है वो उनके लिए नहीं होती, उनके बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, ठीक है। सच पीपल यूज साइन लैंग्वेज। वो क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे हाथों से कोई मूवमेंट होती है उन्हें, उससे पता चलता है, ठीक है। और द लिप मूवमेंट्स, इसके अलावा वो होंठों से समझ लेते हैं, जब कोई बोलता है तो उसे समझ में आ जाता है, ठीक है। ऑफ द पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। कोई आदमी क्या बोल रहा है, या तो वो साइन लैंग्वेज मतलब हाथों की मदद, जो कोई भी साइन देते हैं उससे पता चलता है, या उन्हें लिप मूवमेंट से पता लगता है। दिस इज कॉल्ड लिप रीडिंग। जब उसे होंठों की मदद से पता चलता है कि क्या बोल रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, लिप रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल्स कौन से होते हैं, जो
जिसे कोई ना कोई अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की, ठीक है। वी आर लकी दैट वी हैव अ गुड हेल्थ, हम सब लकी हैं, हमें सब क्या है लकी हैं, क्योंकि हमें गुड हेल्थ मिली हुई है, हमें अच्छी सेहत मिली है। वी कैन स्पीक, हम बोल सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, सी देख सकते हैं, एंड डू थिंग्स विद आर ऑर्गन्स, एंड हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने ऑर्गन के साथ, ठीक है ना। हम इनके यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास आईज है तो हम देख पाते हैं, जो अंधे होते हैं उनके पास आई तो होती है, आईज होती है ना, बट वो देख नहीं पाते, उनका यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट देयर आर मैनी पीपल हु कैनॉट सी, ठीक है, ब्लाइंड जिसे नहीं दिखाई देता उसे क्या बोलते हैं ब्लाइंड, हियर उसे क्या बोलते हैं डेफ, और स्पीक जो बोल नहीं पाता उसे क्या बोलते हैं डम्ब। दीज आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, उनको क्या बोलते हैं फिजिकली चैलेंज्ड पीपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। दे गो टू स्पेशल स्कूल्स, यस, they go to special schools, they are taught the same things as in other schools but in a different way. वो कहाँ जाते हैं, वो स्पेशल स्कूल में, जैसे हम एजुकेशन लेते हैं ना वो भी लेते हैं वो, पर उनके क्या होते हैं, वो हमारे जैसे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, जैसे स्कूल्स होते हैं जहाँ बोलते हैं सब प्रॉपरली सही होते हैं वहां नहीं पढ़ सकते, उनके लिए एक स्पेशल स्कूल होते हैं, ठीक है। वो हमारी तरह ही सारा कुछ सीखते हैं, सभी कुछ सीखते हैं, मगर वे कौन सा होता है उनका, डिफरेंट वे मतलब उनका तरीका अलग होता है। जैसे बताया था ना ब्रेल लैंग्वेज से पढ़ते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं वो ये वाली लैंग्वेज से पढ़ते हैं, ठीक है ना, पढ़ते वो भी हैं मगर डिफरेंट वे में पढ़ते हैं। वी कैन हेल्प फिजिकली चैलेंज पीपल बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम एंड मेकिंग देम फील लव्ड एंड वांटेड, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे हेल्प करेंगे, बाय स्पेंडिंग टाइम, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए एंड उन्हें फील क्या कराना चाहिए, उनको प्यार और प्यार फील करवाना चाहिए, ठीक है ना, उनको प्यार से उनसे बात करनी चाहिए। हियर आर सम थिंग्स वी कैन डू टू शो आर लव फॉर देम, नीचे जो कुछ दिए गए हैं, कुछ बताया गया है, बातें बताई गई हैं जिससे हम अपना उनके लिए प्यार जो है शो कर सकते हैं। फर्स्ट है हेल्प देम फील नॉर्मल बाय बीइंग फ्रेंडली टू देम, उन लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए एक क्यों, क्योंकि उन्हें ताकि नॉर्मल फील हो, एक फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए उनके साथ, ठीक है, उनकी हेल्प ऐसे करनी चाहिए कि उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करो ताकि उसे नॉर्मल फील हो, उसे ये ना लगे कि हाँ मेरे पास आंखें नहीं है या, ठीक है ना। सेकेंड है बी काइंड एंड सेंसिटिव टू देम, उनके साथ दयालु रहना चाहिए, ठीक है, सेंसिटिव टू देम। थर्ड है इनकरेज देम टू गो टू स्कूल एंड स्टडी, कुछ लोग होते हैं वो हार मान जाते हैं जिंदगी से कि मैं तो सुन नहीं सकता तो शायद मैं स्कूल नहीं जा सकता, जब मैं जो देख आई नहीं देता तो मैं शायद पढ़ ही नहीं सकता, उनको इनकरेज करना, उसे मोटिवेट करना चाहिए कि तुम स्कूल जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए भी जो स्पेशल स्कूल्स है उनमें जाओ क्योंकि स्टडी हमारे लिए जरूरी है। टेक देम आउट फॉर पिकनिक्स, उनके साथ हमें कहाँ जाना चाहिए, पिकनिक पे जाना चाहिए। हेल्प देम इन देयर डेली चोर्स, उसकी हेल्प करनी चाहिए चोर्स में, क्या होता है काम, ठीक है, काम करने डेली जो काम होते हैं उसमें हेल्प करनी चाहिए, उससे नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि तुम्हारे पास आंखें नहीं है तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा नहीं जहाँ, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है ओल्ड पीपल ऑल्सो नीड केयर, इसके अलावा जो ओल्ड पीपल होते हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं उसे भी क्या चाहिए, केयर चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए ना, नीड मतलब होता है जरूरत। ओल्ड पीपल नीड आर सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, जो बुजुर्ग होते हैं उसे भी हमारे सपोर्ट की जरूरत होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, ठीक है ना। दे आर नॉट एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स देमसेल्फ, कुछ जब बुजुर्ग हो जाता है तो उससे कुछ काम होते हैं जो उससे वो प्रॉपरली नहीं कर पाता, ठीक है, खुद नहीं कर पाता, जैसे कोई मान लो बहुत ही ज्यादा भारी कोई बैग है वो उठा नहीं पाता, तो आप मदद कर सकते हो उसकी उठाने में, क्लियर। जैसे ये देखो क्या है ना, कैरी देयर बैग्स, क्लियर, कुछ जो चीजें होती है जो बुजुर्ग नहीं कर पाते तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प देम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू शो आर लव एंड केयर फॉर देम इज टू स्पेंड टाइम विद देम,
हम कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्या वे इम्पोर्टेंट है कि आप उनसे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। ये नहीं कि आप उसे बुलाओ ही ना, घर पे जो बुजुर्ग हैं उसको बुलाओ ही ना, उसे पानी ना दो, वो बुला रहा है तो आप सुनो ही ना उनकी, ठीक है, क्लियर। आप ज्यादा से ज्यादा उसके साथ उनके साथ टाइम स्पेंड करो। इसके अलावा फैक्ट बॉक्स देखो, 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज ओल्ड एज डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में जो 1 अक्टूबर है वो किसके लिए, किसमें सेलिब्रेट किया जाता है, ओल्ड एज डे, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए कुछ बताया गया है कि कैसे हम जो बुजुर्ग हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पिक्चर देखो, कैरी देयर बैग, वो देखो एक बुजुर्ग है, वो लड़का जा रहा है उसका बैग उठाया हुआ है, ठीक है। हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उनकी, उनके भारी जो बैग है उसका उठाकर। सेकेंड है, ऑफर देम योर सीट इन अ बस। अगर कोई लेडी जो बुजुर्ग है, ठीक है, आती है तो आप अगर बस में बैठे हो, कोई सीट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी सीट दे सकते हो, ऑफर कर सकते हो कि आप बैठ जाओ, ठीक है। हेल्प देम टू क्लाइंब स्टेयर्स, ठीक है, आप उनकी क्या कर सकते हो, स्टेयर्स मतलब सीढ़ी पे चढ़ने की मदद कर सकते हो। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, ठीक है, आप उनकी स्टेयर्स में चढ़ने की मदद कर सकते हो, आप उसको सहारा दे सकते हो, हाथ पकड़ के ले जा सकते हो। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर देम, आप उसको पानी दो, ठीक है, आप उसको पानी भी दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पिक्चर में, डू नॉट मेक नॉइस व्हेन दे आर रेस्टिंग। कभी भी आपको आवाज नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जब वो कोई बुजुर्ग जहाँ आपके दादाजी कोई भी रेस्ट करते हैं, बुजुर्ग घर में रेस्ट करते हैं, तो आपको ज्यादा आवाज नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो जल्दी उनको आवाज सुनाई देती है, ठीक है। बी पेशेंस विद देम, उसके साथ आपके वो पेशेंस से पेश आना चाहिए, ठीक है ना, पेशेंस से पेश आना चाहिए, ठीक है, धैर्य से। मेक देम फील वांटेड टू डूइंग स्मॉल गेस्ट फॉर देम लाइक गिविंग देम अ स्मॉल गिफ्ट ऑन देयर बर्थडे। आपको क्या करना चाहिए उसको फील अच्छा फील कराने के लिए, कुछ स्मॉल स्मॉल काम करने चाहिए, ठीक है, गेस्ट उसको धन्यवाद करना चाहिए, उसको क्या देना चाहिए, छोटा सा गिफ्ट दे देना चाहिए उसके बर्थडे पर। जो सम ओल्ड पीपल लिव इन ओल्ड एज होम्स, दे स्टे देयर बिकॉज दे आर अलोन एंड कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। कुछ लोग होते हैं जो ओल्ड एज होम में रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनको कई बार क्या होता है, दे स्टे देयर, वो क्यों रहते हैं वहां, क्योंकि बिकॉज दे आर अलोन, क्योंकि वो अकेले हैं एंड कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, और अपनी केयर नहीं कर नहीं सकते, ठीक है, जैसे अपने लिए खाना नहीं बना सकते, जहां उनके पास कोई कमाई का साधन ही नहीं है, ठीक है, क्लियर। यहाँ आपका जो लेसन है वो कम्प्लीट।